नमस्कार साथियों, जैसलमेर खबर 24/7 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज सुबह की शुरुआत एक अच्छी खुशखबरी से करते हैं। जैसलमेर की जिला कलेक्टर रह चुकी टीना डाबी को कौन नहीं जानता है, आप सभी उनके नाम से भली भांति परिचित होंगे। अभी आप सभी को पता है कि टीना डाबी छुट्टी पे चल रही है, उनकी प्रेगनेंसी की वजह से उन्होंने छुट्टी ली और जैसलमेर के जिला कलेक्टर के पद से उन्होंने छुट्टी लेकर वो अपने आवास पर है। तो जयपुर से अभी एक बड़ी खुशखबरी आ रही है कि IAS दंपति टीना डाबी और प्रदीप गवांडे के घर किलकारी गूंज गई है, उन्होंने पुत्र रतन को जन्म दिया है। और आप सभी को बता दें कि जब जैसलमेर में पाक विस्थापितों को लेकर विवाद छिड़ गया था, उनके घर हटाए गए थे, तब टीना डाबी खुद ने जाके वहाँ पर वो प्रेगनेंसी की हालत में जाके उन्होंने उन पाक विस्थापितों के बीच बैठी थी और उन्हें जो घर अलॉट किए थे। उस समय आप सभी को याद होगा कि एक बुजुर्ग दंपति थी जिन्होंने टीना डाबी को आशीर्वाद दिया था कि सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि आपके पुत्र रतन की आपको प्राप्ति होगी। उस समय टीना डाबी ने कहा था कि पुत्र हो या पुत्री सब बराबर है। तो साथियों, आज बड़ी खुशखबरी का दिन है और जैसलमेर की जिला कलेक्टर थी टीना डाबी IAS, उनके घर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है, उनको बेटा हुआ है। तो जैसलमेर खबर और समस्त जैसाण की तरफ से टीना डाबी को पुत्र रतन की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आशा रहेगी कि जो एक बार फिर से आप वापस जैसलमेर आए और जैसलमेर वासी आपका स्वागत करें, आपका भी स्वागत करें और आपके जो पुत्र रतन की आपको प्राप्ति हुई उनका भी स्वागत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।